हेलो दिस इज इंदरजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। दोस्तों अक्टूबर का महीना फाइनली खत्म होने पे आया है, लेकिन इस महीने ने हमें बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट दिया है। जहां एक तरफ एमएक्स प्लेयर ने एक और बहुत बड़ी सीरीज अपने नाम की है इन द शेप ऑफ हाई, जो अपने बहुत ही अलग से कॉन्सेप्ट के कारण जनता में चर्चा का बहुत बड़ा विषय रही, और इसी कारण मेकर्स ने इसके सेकेंड पार्ट की उम्मीद थोड़ी जताई है हमें लास्ट में, बट अभी तक ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं हुआ है। उसके बाद हंसल मेहता जी जो सोनी लिव के ऊपर एक इतनी बड़ी सीरीज लेके आए इन द शेप ऑफ स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, जिसके साथ हंसल मेहता जी ने ना सिर्फ एक हिस्ट्री क्रिएट की, क्योंकि वो सीरीज आज की डेट में हाईएस्ट रेटेड सीरीज है ऑन IMDb, और दूसरी तरफ ही हंसल मेहता जी ने नए मेकर्स के लिए एक बेंचमार्क भी सेट कर दिया है। सो स्कैम 1992 की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप रिव्यू जरूर देखना मेरा उस सीरीज का, बट इस वीडियो के बाद आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं मेरी। और फाइनली जाते जाते ये महीना हमारी 2 साल की सर्च खत्म कर गया, क्योंकि यहाँ पर हमें मिर्ज़ापुर सीजन 2 देखने को मिला। मिर्ज़ापुर सीजन 2 तो देखने को मिला, ये खुशी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके साथ ज़्यादा बड़ी खुशी ये है कि मेकर्स ने तीसरे सीजन की भी तैयारी कर ली है, जिसका हिंट हमें एंड में मिल चुका है। सो अक्टूबर ने इतना बड़ा कंटेंट हमें दिया, सो नवंबर के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अब सबकी निगाहें हैं दिवाली रिलीजेज पर। अब दिवाली रिलीजेज तो फाइनली क्लियर हो चुकी हैं, बट नवंबर में और भी बहुत सारा कंटेंट आना है जो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में, क्योंकि लास्ट हफ्ता है अक्टूबर का, सो नवंबर का मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। सो जैसे ही सारा कंटेंट अनाउंस हो जाता है, सो मैं नवंबर वॉचलिस्ट की वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। बट क्योंकि दिवाली है अगले महीने में, और दिवाली पर हम सबको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होती थी थिएटर्स के अंदर, सो इस साल तो कोरोना ने वैसे ही दिवाला निकाल रखा है थिएटर्स का, बट फिर भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई ना कोई जरिया निकाल लेती है हमें एंटरटेन करने का। और इस साल भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे एंटरटेनमेंट में, क्योंकि यहाँ पर दिवाली वीक पूरे का पूरा भरा पड़ा है अच्छी अच्छी फिल्मों और सीरीज के साथ। सो 9 नवंबर से शुरू होता है सिलसिला, क्योंकि 9 नवंबर को मंडे है जहाँ से दिवाली वीक शुरू होता है, और 14 नवंबर जो कि सैटरडे है जिस दिन दिवाली है, और वहाँ तक आपको एक के बाद एक कंटेंट मिलता चला जाएगा। सो शुरुआत करते हैं दिवाली रिलीज की, दिवाली धमाका जो होने वाला है नवंबर में। सो 9 नवंबर को सबसे पहले रिलीज होने वाली है लक्ष्मी बॉम्ब, स्टारिंग अक्षय कुमार एंड कियारा आडवाणी, जिसका एक गाना भी आ चुका है बुर्ज खलीफा, जो आजकल हर जगह बज रहा है हर जगह। सो लक्ष्मी बॉम्ब इज डायरेक्टेड बाय राघव लॉरेंस, और ये एक तमिल फिल्म कांचना 2 का रीमेक है, जिसके ओरिजिनल वर्जन के डायरेक्टर भी राघव लॉरेंस ही थे, उन्होंने ही डायरेक्ट की थी फिल्म, वो उसके अंदर खुद भी थे। सो अब उसका ऑफिशियल हिंदी रीमेक लेकर आ रहे हैं वो लक्ष्मी बॉम्ब की शेप में। सो अक्षय कुमार यहाँ पर पहली बार ट्रांसजेंडर का करेक्टर प्ले करने वाले हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अक्षय कुमार इज गोइंग टू वेयर अ साड़ी। सो सबको एक्साइटमेंट होगी, स्पेशली अक्षय कुमार के फैंस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस चीज़ के लिए। सो 9 नवंबर को हमारे पास लक्ष्मी बॉम्ब जैसी बड़ी फिल्म आने वाली है। द फिल्म इज गोइंग टू बी प्रीमियर्ड ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP, एंड आफ्टर दैट इट्स 11th नवंबर विच इज वेनसडे, और यहाँ पर आने वाला है आश्रम पार्ट 2। 28 अगस्त को आश्रम का पहला पार्ट आया था, जिसने बहुत धूम मचाई थी, और प्रकाश झा जी ने डायरेक्ट किया है, तो प्रकाश झा जी किस लेवल के डायरेक्टर हैं ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। सो आश्रम पार्ट 1 ने जो धूम मचाई थी, और जिस मुकाम पर जिस मोड़ पर आकर वो छोड़ा था, अब आश्रम पार्ट 2 की जो एक्साइटमेंट है लोगों में वो बहुत अलग लेवल पर है। सो 11 नवंबर को दोस्तों बुधवार को आश्रम का पार्ट 2 आ जाएगा एमएक्स प्लेयर के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से पहले पार्ट की स्टोरी खत्म हुई थी। सो आश्रम पार्ट 2 के लिए फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि इसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद आती है बात 12 नवंबर को, 12 नवंबर को प्रीमियर होने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर लूडो फिल्म। लूडो एक मल्टी स्टारर डार्क कॉमेडी फिल्म है। अगर मैं मल्टी स्टारर की बात करूँ तो मेरे ख्याल से पहली फिल्म है जिसके अंदर इतने सारे स्टार्स होने वाले हैं जो OTT पर प्रीमियर हुई है, ऐसी पहली फिल्म है ये। क्योंकि अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूं, जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस फिल्म की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा, फातिमा सना शेख, और भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर होने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग बसु ने, अनुराग बसु मतलब जिन्होंने बर्फी डायरेक्ट की थी, जिन्होंने लाइफ इन अ मेट्रो डायरेक्ट की है, जिन्होंने गैंगस्टर जैसी फिल्म डायरेक्ट की है। सो इस फिल्म से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। डार्क कॉमेडी फिल्म है ये, और इसका नाम है लूडो। लूडो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 अलग अलग स्टोरीज चलती हैं, जैसे हमारे लूडो के घर होते हैं, और लूडो के अंदर जैसे एक डाइस होती है जो चारों में कनेक्टेड होती है, वैसे ही यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट आएगा जो चारों स्टोरीज को आपस में जोड़ेगा। सो अनुराग बसु ने जो उम्मीदें जताई हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, बट अब देखना ये होगा कि क्या लूडो हमारी उन उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। सो 12 नवंबर को दोस्तों लूडो आने वाली है, विच इज थर्सडे। नाउ कम टू द फ्राइडे, जो कि लास्ट रिलीज है दिवाली वीक की, दैट इज छलांग। छलांगी स्टारिंग राजकुमार राव, मोहम्मद ईशन आयुब, नुशरत भरूचा, सतीश कौशिक, और भी काफी जाने माने चेहरे हैं, इला अरुण जी भी हैं इसके अंदर। और राजकुमार राव के लिए छलांग बैक टू बैक रिलीज होगी दूसरी, क्योंकि 12 को लूडो में भी राजकुमार राव हैं और 13 को छलांग में भी वो देखने को मिलने वाले हैं। सो छलांग प्रीमियर होने वाली है प्राइम वीडियो के ऊपर, अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर। और इस सबसे ज्यादा बड़ी बात छलांग की है हंसल मेहता, क्योंकि फिल्म को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता जी ने। हंसल मेहता वही जिन्होंने हमें अक्टूबर के महीने में, यानी इसी महीने में, स्कैम 1992 जैसी सीरीज दी है। सो दैट इज द मोस्ट एक्साइटेड पार्ट अबाउट छलांग फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि हंसल मेहता जी के कारण मैं बहुत
एक्साइटेड हूँ वो फिल्म देखने के लिए। और वैसे भी जब हंसल मेहता और राजकुमार राव ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो फिर कुछ चमत्कार होते हैं, ओमेटा जैसे, शाहिद जैसे, जो हम मतलब भूल नहीं सकते इजीली। सो गाइस ये चार बैक टू बैक रिलीज होने वाली हैं दिवाली वीक के अंदर। सो 9 को लक्ष्मी बॉम्ब, 11 को आश्रम पार्ट 2, 12 को लूडो एंड 13 को छलांग, जो प्राइम के ऊपर आने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां एक तरफ हम थोड़ा थिएटर को मिस भी करेंगे, लेकिन OTT के अपने फायदे भी काफ़ी हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक चॉइस नहीं बनानी, आप सारा कंटेंट कवर कर सकते हो बारी बारी और अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। सो आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? मैंने तो आपको बता ही दिया कि मैं आश्रम पार्ट 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं बाकी क्या रहता है। बट आप किसके लिए जाना एक्साइटेड हो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। सो फिलहाल यही है दिवाली रिलीज जो होने वाली है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी और हिंदी रिलीज आती है जो दिवाली वीक में प्रीमियर होने वाली है, मैं उसकी अपडेट आपको अगर वीडियो बनाने लायक हुई तो वीडियो के थ्रू दूंगा, अदरवाइज मैं अपने सोशल हैंडल के ऊपर आपको शेयर करूंगा वो सारी इन्फो। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइज ये थी दिवाली रिलीज के दिमाग का जो होने वाला है इस दिवाली पर। सो फिलहाल इतना ही था, मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।